भैया कंपनीज ले ऑफ करे जा रही हैं एंड रिसेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन मेरा तो इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सीज़न नेक्स्ट 3-4 महीने में स्टार्ट होने वाला है, तो व्हाट शुड आई डू? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा होगा। इफ़ यू आर इन योर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और इवन इफ इन योर फाइनल ईयर, या तुम अभी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो फर्स्ट ईयर में, सबके दिमाग में सिमिलर टाइप का डाउट होगा कि क्या करूँ मैं, मतलब दुनिया में जो भी चल रहा है उससे मेरे फ्यूचर पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ ही रहा होगा, राइट? तो ये चीज़ सेम पहले 2 बार हो चुकी है। मैंने अपनी जो लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने सेम चीज़ बताई थी कि दिस हैज़ हैपेंड बिफोर, दिस इज़ समथिंग जो नेचुरली हर 10-15 साल में एक बार ही होता है। इट टेक्स अराउंड 1 ईयर टू गेट बैक टू नॉर्मल। जब ये चीज़ें स्टार्ट होने लगी, जो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई थी वो तो अगर तुम चेक करोगे तो जब ये बबल बर्स्ट हुआ था इट वॉज़ अराउंड अगस्त, राइट? सितंबर अगस्त के टाइम स्टॉक प्राइसेस थोड़ा क्रैश करने स्टार्ट कर रहे थे टॉप टेक्स के, एंड उसके बाद रिसेंट मतलब धीरे धीरे ले ऑफ्स की न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई, कंपनी ने लोगों को ले ऑफ करना स्टार्ट किया एंड अभी सॉर्ट ऑफ ये पीक पे चल रहा है। लाइक हर दूसरे दिन कोई नई न्यूज़ आती है। अभी रिसेंटली अमेजोन ने फिर से बोला कि दे विल बी कटिंग डाउन 9,000 जॉब्स फ्रॉम AWS। तो ये सब चल रहा है। इसके अलावा देर आर सो मेनी न्यू स्टार्टअप्स, न्यू कंपनीज दैट आर इमर्जिंग आउट, देर आर कंपनीज विच आर नॉट लेइंग ऑफ, एंड ऐसे ही बहुत सारी सही चीज़ें भी हैं। मतलब वी आर ऑट टू लुक टूअर्ड्स द बैड थिंग्स ऑफ द सोसाइटी, या फिर बुरी चीज़ें हो रही होती हैं बस बुरी देखते रहते हैं। बट टेंशन मत लो, जब कुछ चीज़ बुरी होती है ना तो उसके बाद अच्छा भी होता ही है। एंड जब मैंने बात करी जो लाइक ये रिसेशन पहले देख चुके हैं 2 बारी, दे सेड कि इट टेक्स अराउंड 1 ईयर, ठीक है? हिस्टोरिकली तो यही हुआ है, 1 साल लगता है, 1 साल बाद चीज़ें बेटर होने लगती हैं। सो अगस्त सितंबर दिस ईयर थिंग्स शुड स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स, नॉट कि एकदम से हायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट इट विल स्टार्ट गोइंग नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो अगर चीज़ें सही होने लगी बट तुम अपना माथा पकड़ के बस बैठे रहे 4 महीने और, एंड फिर जब चीज़ें सही हुई कंपनीज ने हायर करना स्टार्ट किया बट तुम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो आएगी सबसे बड़ी दिक्कत। अब इसके लिए व्हाट यू शुड डू इज़ कि अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। इफ़ यू आर इन योर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, इसमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ज़रूर होने वाली है। एंड या यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो फॉर श्योर। एंड जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं रिज्यूमे को लेके, DSA कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाने हैं, सारे डाउट्स आज वाली वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। सो हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, 6,000 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं इस वाले वीडियो पे। तो यार सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें करनी है, अगर तुमने अब तक नहीं करी है, तो कोई भी एक लैंग्वेज सीखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जो फर्स्ट टास्क करने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस जो मेजरली लोग करते हैं, दैट इज C++ और जावा। अब C++ और जावा क्यों करनी चाहिए? बिकॉज दैट हेल्प्स यू इन डूइंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एज वेल, एंड मोस्टली जो तुम्हारे जजेस होते हैं ना ऑनलाइन, वहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड होती हैं। पाइथन तुम कर सकते हो बट पाइथन एक इंटरप्रेटर है, कंपाइलर नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली। अगर ये बातें तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड सीधा अकड़ वकड़ करके C++ या जावा में से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों सेम होती हैं। C++ चूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव मेड अ प्ले लिस्ट Code in 10 पे, तुम वो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उससे तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्या कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे काम करना है, कैसे कोड करना है। जब तुम कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हो उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो है DSA, जो कि बहुत सारे हर कंपनी के इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। अब ये कैसे सीखना है तुम्हें, इसके लिए मैंने एक 100 डेज़ का रोड मैप बनाया हुआ है, उसकी वीडियो आई बटन में आ रही होगी, तुम आप वो जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ कोड स्टूडियो एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे गाइडेड पाथ्स मिल जाते हैं, तुम्हें कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तुम उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा तुम कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह दे सकते हो, एंड तुम्हें अलग अलग लिस्ट मिल जाते हैं फेमस लोगों की। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी लिस्ट भी डलवा रखी है, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अराउंड 350 क्वेश्चन है। उन सब क्वेश्चन को तुम आराम से वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हो। तो तुम स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को तुम फॉलो कर सकते हो, और इस लिस्ट को फॉलो करने से क्या होगा, तुम्हारी बेसिक DSA की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं जो मैंने खुद भी किए थे। तो तुम कोड स्टूडियो पे जा सकते हो, इस वाली लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम्हें ना एक EXP वाली चीज़ दिख रही होगी। EXP का मतलब है इन्होंने ना जो पूरा अपना प्लेटफॉर्म है ना उसको बहुत ज़्यादा गेमिफाई कर दिया है, ठीक है? अलग अलग लेवल्स ऐड कर दिए हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। जब तुम अपनी व्यू प्रोफाइल पे जाओगे ना तो तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, एंड हर एक्सपीरियंस पे अलग अलग लेवल होंगे। जैसे मैं अभी लेवल 1 पे हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं लाइक कोडिंग कर रहा था तो कोड स्टूडियो नहीं था, एंड ये बाद में आया है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जिस पे तुम जाके कोडिंग वगैरह सीख सकते हो एंड गेमीफाई करने के बाद ना तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे लीडर बोर्ड मिल जाएगा, तुम्हें एक्सपीरियंस हिस्ट्री मिल जाएगी एंड जैसे तुम देखोगे ना हर लेवल पे जाने के बाद तुम्हारे कुछ जो पेड फीचर्स हैं इनके लिए वो तुम्हारे लिए फ्री में अनलॉक हो जाएंगे। जैसे तुम लेवल 2 पे जाओगे तो तुम्हारे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला फीचर अनलॉक हो जाएगा, लेवल 3 पे वीडियो सॉल्यूशन और तुम्हारे कॉन्टेस्ट की रेटिंग अनलॉक हो जाएगी। अब जो मैंने अपनी लिस्ट दे रखी है इन्होंने उन सब के ना सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं तुम्हें तीनों लैंग्वेजेस में C++, जावा, पाइथन, तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो कर लिया बट क्या ये बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है कि नहीं है। तुम यहाँ पे जाके मस्त अपना देख सकते हो एंड ये तुम अपना जैसे जैसे लेवल तुम्हारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे अलग अलग फीचर्स अनलॉक होते जाएंगे। एंड यहाँ पे एक और फ़ायदा ये है कि कोडिंग निंजाज ने काफ़ी सारे रिक्रूटर्स के साथ या फिर काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ भी टाई अप कर रखा है, तो वो इस प्रोफाइल को देख के तुम्हें काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो तुम जितना ज़्यादा यहाँ पे कोड करोगे उतनी तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी होती रहेगी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है यहाँ पे, मतलब जो कोड स्टूडियो पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसकी प्रोफाइल तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसकी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, 99% लोगों से अच्छी है, इसने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं एंड तुम चेकआउट कर सकते हो इसकी प्रोफाइल। तो रिक्रूटर्स इस वाली प्रोफाइल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे तुम्हें टोटल स्कोर्स कितने पॉइंट्स वगैरह मिल सकते हैं, हर उसका एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कितना तुम्हें EXP मिलेगा। EXP जो तुम्हारा होता है प्रॉब्लम की डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है एंड जितने ज़्यादा तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने तुम्हारी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, मेरी लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, लिंक इसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके ज़रूर देखना। एंड इसके साथ कोड स्टूडियो पर 2000 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हारी DSA प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करने वाले हैं। इसके अलावा वीकली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं जिन पर पार्टिसिपेट करना काफ़ी सही रहता है क्योंकि जो तुम्हारी प्रैक्टिस है, जो तुमने DSA पढ़ा उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहती है उसके साथ साथ। एंड इसके अलावा यू गेट अ रैंक, तो तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हुए देख सकते हो। सो इस वाले वीकेंड का कॉन्टेस्ट उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डेफिनेटली गो एंड रजिस्टर ऑन दैट। तो अब डेटा स्ट्रक्चर्स का एक्जैक्टली क्या यूज़ होता है, ठीक है, तो डेटा जो है मोस्टली हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में एंड कंपनीज़ को क्या करना होता है कि इस डेटा को अच्छे से स्टोर करो ताकि तुम इसे बहुत जल्दी से रिट्रीव कर पाओ और सब कम से कम स्पेस और टाइम लगे, ठीक है। टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में जितना कम टाइम किसी चीज़ के लिए लग रहा है, जितनी कम स्पेस लग रही है उतने ही तुम ज़्यादा पैसे बचा रहे होगे। अब एक मेरा जो भाई है रोहित नेगी, उन्होंने इसके लिए बहुत एक मस्त एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं उनका एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ। उन्होंने बोला था कि यार तुमने एक किराने की दुकान खोली, उस पर तुमने बहुत सारा सामान रखा, तुमने आटा चावल बहुत सारी चीज़ें रख ली, ठीक है, जो जो होती हैं, फ्रूट्स भी रख लिए, आटा चावल भी रख लिया, तुमने इनो के पैकेट लिया, चॉकलेट चिप्स सब कुछ रख लिया। अब नेक्स्ट डे कोई कस्टमर आया, उस कस्टमर को भाई चाहिए इनो, बट तुमने उस पूरा जो सामान था उसको ढंग से स्टोर नहीं किया हुआ है, राइट। अगर तुमने उस सामान को स्टोर नहीं किया हुआ है तो तुम उसको रिट्रीव करने में, उसको वापस लेने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। तो यहाँ पर अगर तुम उस चीज़ को ढंग से स्टोर कर देते और तुम्हें पता होता है कि चलो इस शेल्फ पे यहाँ पे जाके ये चीज़ रखी हुई है, तुम आराम से उठा के वो अपने कस्टमर को दे सकते हो, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होता और तुम काफ़ी जल्दी दे पाते, राइट। तो यहीं पे सेम चीज़ आती है तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर्स में, लिंक लिस्ट, एरेज, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा स्टैक्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, ग्राफ्स, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में हम अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हैं ताकि हमें सबसे कम स्पेस या टाइम लगे जब हमें वो डेटा वापस चाहिए हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, अब गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स में वो कैसे कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह को, वो बेसिकली ग्राफ्स यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर पॉइंट A से जाना है तो पॉइंट B तक जाना है, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ बता दो। तो इसके लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स बनी हुई हैं, उनको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो ये ही सारा काम होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से तुमने समझ लिया कि क्यों हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होते हैं, क्यों कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स पे इतना ज़्यादा फोकस करती है, बिकॉज उनको स्पेस और टाइम बचाना है। एंड स्पेस और टाइम कैसे बचेगा, जब तुम सही चीज़ को सही जगह पे रख पाओगे, उसको सही तरीके से रिट्रीव कर पाओगे, ठीक है। अब इससे तुम्हारी DSA वाली प्रॉब्लम तो हो जाती है सॉल्व, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने कोई लैंग्वेज सीख ली, तुमने DSA कर लिया, अब नेक्स्ट दिक्कत ये आती है कि हम इसमें ही बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, हम इसमें ही अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ना प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आज सच टाइम नहीं रहता है, बट प्रोजेक्ट्स यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिक्रूटर्स को ना प्रोजेक्ट्स बहुत पसंद होते हैं। तुम्हारी कोडिंग तो DSA है वो तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा चाहिए कि तुमने कुछ रियल लाइफ वर्ल्ड में थोड़ा बहुत काम वाम किया हो, कोई तुम्हें डेवलपमेंट स्किल आता हो। तो आई गॉट यू कवर्ड इसके लिए भी। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी तुम्हारे लिए, जिसमें मैंने 40 प्रोजेक्ट आइडियाज़ डिस्कस करे थे। इसमें मैंने तुम्हारे लिए एल्गोरिथम बेस्ड प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी बता रखे हैं जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। एल्गोरिथम बेस्ड प्रोजेक्ट आइडियाज़ का क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हें अलग से कोई डेवलपमेंट स्किल सीखनी नहीं पड़ेगी, इनमें से एक दो प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो। उसके अलावा कोई एक डेवलपमेंट स्किल सीख लेना, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, क्रोम एक्सटेंशन, मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इसमें बताई थी। इसके अलावा रोड मैप्स मैंने तुम्हारे लिए पहले से बना रखे हैं। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना तो वेब वाला रोड मैप देख सकते हो, तुम्हें एंड्रॉइड सीखना, iOS सीखना, तुम वो देख सकते हो, ब्लॉकचेन सीखना वो तुम सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सबके लिंक्स वगैरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तुम्हें बस जाके चेकआउट करना है, तुम्हें बस जाके पढ़ाई करनी है। जब तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना तो तुम्हारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी जिसको तुम यूज़ करके अगर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे होगे ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि तुम वहाँ से रिजेक्ट हो। लेकिन इसके साथ एक दो चीज़ें और आ जाती हैं यार मेरे। तो जब तुम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो ना तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा भागते हैं एक तरीके से कि मेरे को 350 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब 350 क्वेश्चन सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि तुमने 30 मिनट 40 मिनट ट्राई किया, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन वाले पे गए, कॉपी पेस्ट किया और आगे बढ़ गए। क्योंकि मैंने ये गलती करी थी एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू डू दिस। जब मैं इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं यही करता था, ठीक है, ट्राई करता था, थोड़ी देर होता था तो सही है, नहीं होता था तो कॉपी पेस्ट कर देता। एंड उस टाइम मैंने 450 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे मेरे हिसाब से बट एक्चुअली वो 450 क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इज्जत से तो मैंने 100-150 ही किए थे। जब मैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बैठता था वो मेरे से पूछते थे या फिर मेरे दोस्तों से जब बात होती थी वो कहते थे यार ये क्वेश्चन था। मैंने कहा यार देखा सुना तो लग रहा है, देखा देखा भी लग रहा है, बट समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, समझ कैसे आए, कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो जब मैं प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने लगा तो मैंने ये चीज़ ध्यान रखी कि सॉल्यूशन मैं जब ही देखूँगा तब जब तक मैं पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो चुका होता कि मेरे को बस समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे तुम कम क्वेश्चंस करो बट ऐसे करो कि तुम्हें वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना आ जाए। एट द एंड ऑफ द डे उस डेटा स्ट्रक्चर का बस यही काम है कि कैसे चीज़ें स्टोर हो रही हैं, कितनी जल्दी वो रिट्रीव हो रही हैं। अगर तुम्हें वो आ गया ना दैट मीन्स यू आर एबल टू लाइक मास्टर DSA। तो इसका बिल्कुल तुम्हें ध्यान रखना है कोडिंग करते टाइम, ठीक है। DSA जब तुम कर रहे हो तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड डेवलपमेंट कोई भी जब तुम सीख रहे हो तो साथ साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते रहो। एक तुम्हें मेजर प्रोजेक्ट चाहिए होता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे होते हो अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ में। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे लिए वो प्रोजेक्ट था मेरा ब्लॉकचेन वाला प्रोजेक्ट जो मैंने किसी एक हैकाथन में बनाया था। जब मैं अपने फुल टाइम इंटरव्यूज़ के लिए बैठा था, जब मैंने क्योरफिट में, माइक्रोसॉफ्ट में या सेल्सफोर्स में, इन सब में इंटरव्यूज़ दिए थे तो जो मेरी जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात होती थी वो था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, जो हम जीत गए थे हमारी टीम। तो वो मैं डिस्कस कर रहा होता था कैसे मैंने उसमें फ्रंट एंड में काम किया था, कैसे हमने बैक एंड बनाया था, हमने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया था। बेसिक क्वेश्चंस के तुम्हारे पास आंसर होने चाहिए, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, मतलब क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कैसे यूज़ हुआ, कैसे तुम उसके लिए क्वेरी कर रहे थे, कौन सा डेटाबेस यूज़ किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। इवन व्हेन जब तुमने बस फ्रंट एंड पे काम किया, तुमने बस रिएक्ट पे काम किया, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने इसमें NoSQL डेटाबेस क्यों यूज़ किया, तुमने SQL डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ किया। तो ये बेसिक क्वेश्चंस तुमसे जब इंटरव्यूअर होता है वो पूछ रहे होते हैं, इन सब का तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो, स्टेप 1 इज़ अ लैंग्वेज जो तुम Code Ninjas पे जाके सीख सकते हो। स्टेप 2 इज़ DSA, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छी सी लिस्ट बना रखी है जो तुम जाके फॉलो कर सकते हो। स्टेप 3 इज़ मेकिंग सम प्रोजेक्ट्स। एंड इसके बीच में जब तुम DSA थोड़ा बहुत ढंग से सीख लो तो कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड कोड स्टूडियो पर जैसे मैंने बताया कॉन्टेस्ट भी होते हैं तो तुम कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो एंड अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट की 2-3 वीडियोस पे तुम्हारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। अगर तुमने नहीं देखी है अभी तक, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू चेक देम आउट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऐसे 15 कंपनीज़ की जो रिमोट वर्क अलाउ करती हैं, तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर अलाउ करती हैं इन इंडिया, एंड जिनके पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। उससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करी थी जो कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में दैट हायर एंड लाइक जो फैंग नहीं है जनरली, जो तुम्हारी टॉप टेक कंपनीज नहीं है बट जिनका वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर अच्छा है, जहाँ पे पैसे भी तुम्हें काफ़ी बढ़िया मिल रहे होते हैं। उनकी लिस्ट हमने लाइक तुम्हारे साथ शेयर करी थी, तो ये तुम ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो। और आप लोग यार टेंशन मत लो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। हर चीज़ बुरी होती है तो कुछ अच्छा ज़रूर होता है। डोंट लुक एट द नेगेटिव्स ऑल द टाइम। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने तुम्हारे काफ़ी सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व कर दिए होंगे एंड सेशन वगैरह की टेंशन मत लो, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। कोविड भी आया था मेरे टाइम पे, बाद में जॉब लग गई थी। कुछ कंपनीज़ आएंगी, कुछ कंपनीज़ नहीं आएंगी, बट फिर भी इतनी कंपनीज़ आएंगी ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस कि तुम्हारी नौकरी लग रही होगी अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना, अपने जब तुम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो थिंक आउट लाउड, ताकि जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम्हें अलग से कोई एफर्ट ना डालना पड़े, क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी हो ज़ोर से सोचने की, ज़ोर से बात करने की। कोई भी थॉट आ रहा है तुम साथ साथ बोलते बोलते लिखते लिखते कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जैसे मैंने बताया था 6000 का लाइक टारगेट रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना विच वन इज़ योर फेवरेट कंपनी एंड वीडियो तुम्हें कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।